नमस्कार, मेरा नाम अश्वित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज में। इस समय बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के जो है लोधेश्वर यानी कि सुप्रसिद्ध मंदिर जो है लोधेश्वर महादेव जी के मंदिर में आज हम लोग दर्शन करने आए हैं और हम यहाँ जो है आने वाले भक्तों से थोड़ा जानकारी जुटाएंगे कि आखिर ये सुप्रसिद्ध मंदिर किन कारणों से यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्या इसका पौराणिक महत्व है। हम यहाँ के जो है संत महात्मा विद्वान लोगों से भी वार्ता करेंगे आगे चल करके। फिलहाल हम आपका इसका मुख्य द्वार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार कैमरा कहेंगे आप इसको मुख्य द्वार को दिखा दीजिए। ये भव्य दरबार है और साथ में आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कितने दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था जो है काफी तरीके से जो अगर देखा जाए तो अच्छे तरीके से यहाँ पे करी गई है। आने के लिए रास्ता दूसरा है और जाने की जो है दूसरा रास्ता बनाया गया है, यानी देखा जाए कि बहुत ही व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं करी गई हैं। कैमरामैन से कहेंगे एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए, इधर से लोग जाते हैं, ये जो है जाने का रास्ता, जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ इधर ये जाने का रास्ता है और इधर जो बल्ली लगाई गई है, बांस वगैरह लगाए गए हैं, ये जो है उधर से दर्शन करने के बाद में वापस आने का रास्ता है। फिलहाल हम यहाँ से कुछ लोग जो आने जाने वाले लोग हैं इनसे पूछेंगे कि भाई लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितनी कितनी दूर से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। फिलहाल हम तो हरदोई से आए हैं और इसके अलावा जानने का प्रयास करेंगे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। भाई साहब बाइक वाले ज्यादा मिल गए, भैया नमस्कार, जय भोले, जय भोले। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जो कस्बा। ये कहाँ पड़ता है? बहराइच, डिस्ट्रिक्ट बहराइच लगता है। अच्छा, बहराइच से आप आए हैं? ये भाई साहब बहराइच से हैं। आइए कैमरा मैन दादा नमस्ते, कहाँ से आ रहे हैं दादा जी? कन्नौज से आ रहे हैं। कन्नौज से डायरेक्ट दर्शन करने? हाँ। या बीच में कहीं रुके थे? नहीं कहीं नहीं। अच्छा, क्या ऐसा महत्व, हम भी हरदोई से आए, अपने पड़ोसी है। अच्छा, इस बारे में आपने इस महादेव मंदिर के बारे में क्या सुना कि आप इतनी दूर से यहाँ दर्शन करने आए हैं? भीड़ बहुत है और का नहीं, कुछ ऐसा तो विशेष महत्व सुना होगा, कुछ ऐसी चीजें चमत्कारी चीजें शायद हमें कुछ लोगों से जानकारी मिली हो जिसको लेकर के हमें लगा कि यार शायद मंदिर तुम्हारे आसपास में बहुत सारे पड़ेंगे, छोटे छोटे मंदिर जो मतलब बिल्डिंग के आकार में छोटे होंगे, महत्व उनके भी बहुत बड़े होंगे, इतने सारे मंदिर छोड़ करके आप यहाँ आके लोधेश्वर ही आते हुए आए। लोधेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और इनकी भूमि पवित्र है ना, इसलिए लोग इन्हें मानते हैं, मानते हैं, हाँ तभी आते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, जय भोले। तो ऐसे आए हुए हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर की प्राचीनता और प्रसिद्धि के बारे में आपको अगर कहेंगे कैमरा मैन, पर यहाँ की जो भीड़ है, लंबी कतार, इसको एक बार आप दिखा दीजिए इस कतार को, इससे दर्शकों को ये पता चलेगा कि आखिर हम आज जिस मंदिर का दर्शन कराने आप लोगों को लेकर के आए हैं वो कितना सुप्रसिद्ध, ऐतिहासिक, पौराणिक और चमत्कारिक होगा। आखिर लोगों की इतनी ज्यादा आस्था है यहाँ के बारे में, जो लोग देख रहे कितने घने घने, यानी कि कहा जाए कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, इस कदर यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं। और मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि बाबा जी से शुरू करता हूँ, बाबा जी पगड़ीधारी हैं, बाबा जी जय भोले की। जय भोले की। कहाँ से आए हैं बाबा जी आप? पटना ग्राम। पटना, बिहार से? नहीं, ये बिशुनपुर पटना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बाराबंकी। बाराबंकी से ही है आप, चलो धन्यवाद आपका। दादाजी आप कहाँ से आए? औरैया से। औरैया से। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर दूर थे यहाँ पर भाई साहब आए हैं औरैया से। भाई साहब यहाँ पे जो है कावड़ यानी जल लेकर के, फूल पत्ती लेकर के यहाँ पे है। भैया कहाँ से है? जय भोले की। गोंडा से। गोंडा से। कितना दूरी होगा यहाँ से? यहाँ से 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर लगभग। तो कुल मिला के हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कैमरा मैन थोड़ा आगे आ जाइए, आगे लेके लोगों से मिल लेता हूँ इधर, लेकिन आगे फिर जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, पीछे थोड़ा लेते हैं, आ जाओ पीछे आ जाओ। कहाँ से आ रहे हैं दादा? कानपुर से। कानपुर। हाँ जी। कितना किलोमीटर है कानपुर यहाँ से? यहाँ से 150 किलोमीटर। 150? चलो 150 किलोमीटर। साहब कहाँ से आ रहे हैं? अयोध्या से। अयोध्या से। अयोध्या कितना है यहाँ से? यहाँ से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप अभी देख रहे हो नंगे पैर है, कितने पैदल यात्रा करके आए क्या? ऐसे साइकिल से। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ये लोधेश्वर जो बाबा का मंदिर है यहाँ पे, भोले बाबा का सुप्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? जैसे क्या मतलब यहाँ के बारे में क्या प्रचलित? बहुत मान्यता है इसकी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम भी हरदोई से आए। जी 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 जी।
जैसे मतलब क्या है यहाँ के बारे में, क्या ऐतिहासिक महत्व क्या है, कुछ पता है आपको? हाँ हाँ, ये अपने आप लिंग निकली थी। स्वयंभू है माने स्वयं प्रकट हुई है यहाँ से मूर्ति जी। तो यानी एक पहला वैचारिक जो मत है वो हम लोगों के सामने आया है कि जो देव स्थान है ये स्वयंभू है, यानी स्वयं के द्वारा इनकी जो ज्योतिर्लिंग है वो प्रकट हुई है, उसी की वजह से यहाँ से पूजा होती है। उसका जो है ऐतिहासिक महत्व भी है, पौराणिक भी महत्व है। हालांकि यहाँ के जो अन्य विद्वान लोग होंगे, पुजारी होंगे, शास्त्री लोग हैं, जो आगे चल के जाके उनसे मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, अगर मेरी मुलाकात हो जाती है तो हम आप तक ये भी जानकारी पहुंचाएंगे आखिर इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। लेकिन यहाँ पे जाते जाते लोगों से पूछना चाहेंगे कि आखिर भाई, नमस्कार भैया, चलो कोई बात नहीं, कोई नॉलेजदार व्यक्ति मिले इससे पूछू, आप बोलेंगे भैया? हाँ बोलेंगे। जय भोले की। जय भोले की। कहाँ से आ रहे हैं? उरई जालौन जिला से। उरई जरिया जालौन कानपुर साइड। हाँ हाँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 200-250 किलोमीटर। 200-250 किलोमीटर, 300-300। सबसे बड़ा जो प्रश्न है मेरे हिसाब से कि हमारे समाज में आसपास में बहुतायत मात्रा में मंदिर है, ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ भी नहीं होता। हाँ बहुत है, जहाँ पे पुजारी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी नहीं पहुँच पाते, हो सकता है कभी काल कोई पहुँच जाता हो। इतने सारे मंदिर छोड़कर आप आखिर लोधेश्वर क्यों पधारे? यहाँ सिद्धि है, दूध की कांवर भी हो जाती है, और क्या। अच्छा, जो पुराने प्राचीन मंदिर हमारे गांव के आसपास में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनका क्या होना चाहिए? वो मतलब कि आगे उनके लिए क्या विचारिक मत है आपकी, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? अब ऐसे दारू लोग करेंगे व्यवस्था तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जब तो हमारे हिंदू धर्म की जो है आस्था है, आस्था की वजह से होना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, प्रचलन में आना चाहिए। अगर लोधेश्वर महाराज जी प्रसिद्ध हो सकते हैं, अगर उनमें वहाँ भी शक्तियाँ हैं तो फिर उन मंदिरों में भी शक्तियाँ, उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा की गई होगी, वहाँ भी हो जाएगी, अगर उनकी भी देखरेख की जाए तो हमारा जो है सनातन धर्म और मजबूत हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से कस्मा कस्मी के साथ में बाबा भोलेनाथ जी की प्रतिमा के या उनके जो है अस्तित्व के दर्शन करने के लिए किस तरीके से भीड़ उमड़ी है। ये लगभग आपको बता दें 1 किलोमीटर की ये भीड़ है, इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कितना, एक बार दिखाना भाई, फोटो खींचना इनकी थोड़ा, और एक बार दिखाना इस लाइन को। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कितने ज्यादा आज आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म आखिर इतनी मजबूती के साथ में आज तक क्यों विद्यमान है, क्यों टिका हुआ है, आखिर ये आस्था ही है। तो आप लोग इतनी धूप में जो है यहाँ पे दर्शन करने की लालसा, कितने दर्शन लगे लाइन में? तीन घंटे हो गए लाइन में, 3 घंटे। अब तो उम्मीद होगी कि दर्शन तो हो ही जाएंगे। हाँ वो हो जाएंगे, दर्शन उम्मीद है भैया? बिल्कुल उम्मीद है बाबा की कृपा। कितनी देर हो गए आपको घंटे? 3 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं, 3 घंटे से ऊपर का समय हो गया जी। कितने बजे आप आ गए थे यहाँ? 9 बजे। कहाँ से है? कानपुर से। कानपुर से आप आए? अच्छा, कानपुर के बीच में और कोई भोले बाबा का मंदिर नहीं पड़ा क्या? फिर वहाँ क्यों दर्शन नहीं किए? तो हर वर्ष आते हैं, तो कभी एक साल कहीं दूसरे मंदिर पे भी दिया जाए तो क्या कोई गलत है क्या? नहीं, गलत तो नहीं, आस्था है ये तो अपनी। आस्था यही क्यों है? मेरा कहने मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, या आप कानपुर से लेकर यहाँ की दूरी 300 किलोमीटर समथिंग आपने दूरी तय करी, उनके बीच में भी बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर पड़े होंगे, तो आखिर लोधेश्वर बाबा जी के ही दर्शन क्यों करना है? आस्था है ये तो हमारी, हम मानते हैं। सिर्फ एक ही मंदिर पे आस्था है, बाकी मंदिरों पे आस्था है क्यों नहीं? है, सब जगह है। मतलब एक विशेष ये है कि मतलब यहाँ पे विशेष आस्था। जी जी जी। तो विशेष आस्था का आप यहाँ पे आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या लग रहा है भैया, कहाँ से आए हैं आप? कानपुर। कानपुर से? ये पूरे सब लोग इधर लाइन कानपुर से है क्या? कानपुर से। कब चले थे हम लोग? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे चले और इतनी जल्दी आ गए? तीन घंटे लगते हैं। ट्रेन से आए थे क्या? नहीं, कार से। अच्छा, कार से आए हैं, अपने पर्सनल वाहन से। लग रहा है कि मतलब दर्शन हो जाएंगे अब? तो हो ही जाएंगे, मंजिल करीब आ गए ना। कितनी लंबी लाइन लगी होगी? ये तो आराम से होगी। कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर लंबी लाइन है? तो 2 किलोमीटर लाइन में कितने लोग लगभग इस लाइन में लगे होंगे भाई? अरे कम से कम लाखों के लोग हैं। तो आप देख रहे हैं, ये ऐसा सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ पर लाखों लोग जो है दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। किस तरीके से कस्मा कस्मी के साथ में तेज धूप में जो है तपस्या कर रहे हैं, एक मान के लिए तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या में आप मानिए हर एक व्यक्ति को ये उम्मीद है कि हमको किसी न किसी प्रकार से दर्शन हो जाए। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे भाई सिपाही साहब का है, इनको कितना मशक्कत करनी, दिखाइए भाई, इनको सल्यूट है यार। कितनी मेहनत करनी पड़ रही भैया आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बस क्या नहीं सकते। अब सबसे ज्यादा अब ये तो दर्शन करके चले जाएंगे, इनके बारे में बताएं, सैल्यूट है।
सैल्यूट है ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे देशभक्तों को जो लोग जो है यहाँ पे इतनी सारा कसमा कसमी को कंट्रोल करते हैं, और ये लोग तो दर्शन करके चले जाएंगे, लेकिन ये भाई साहब जो है देश के सेवक है, समाज के सेवक है, ये अपनी ड्यूटी पर ऐसे ही तैनात रहेंगे ताकि इन लोगों को सुगमता के साथ में दर्शन हो पाए। ये धूप में ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे, सबसे ज्यादा पुण्य इन्हीं भाई साहब को मिलेगा। आइए कैमरा मैन थोड़ा आगे का दिखाते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं